खजराना में कल क्राइसिस कमेटी की एक मीटिंग हुई जिसमें विधायक महेंद्र हडिया और क्षेत्रीय SDM अक्षय सिंह मरकाम, थाना प्रभारी CSP और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें कई भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल रहे। आज एक अखबार के माध्यम से खबर प्रसारित हुई जिसमें ये बताया गया कि भाजपा के कुछ जो क्राइसिस कमेटी में कार्यकर्ता लिए गए हैं उनको मुखबिरी का नाम दिया गया, और इवन क्राइसिस कमेटी में जो लोग हैं वो मुखबिरी का काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो है मंडल अध्यक्ष इम्तियाज मेमन हैं, हम डायरेक्ट उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हकीकत है। बताएं इम्तियाज भाई, क्या मामला है, क्या जो क्राइसिस कमेटी गठित हुई है वो किस तरह मुखबिरी का काम कर रही है? मैंने भी आज एक अखबार के माध्यम से पढ़ा है, उसमें ये लिखा गया है कि जो क्राइसिस कमेटी बनी है वार्डों की, वो काम तो बचा नहीं है लेकिन ज़रूर मुखबरी का काम जरूर कर सकती है। अब ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इस कमेटी के अंदर 6 मेंबर है, जिसमें पूर्व पार्षद भी है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी है, समाज सेवी भी है, एडवोकेट भी है। इस तरह से हमने अभी एक हाल फिलहाल में आपने देखा होगा एक अभी मीटिंग ली, उसमें कल से हम किराने की दुकान, जो दुकानें खुल रही है प्रशासन के माध्यम से जो आदेश मिला उसके तहत, उसमें गोले मारने का काम कर रहे हैं कल से, और कल ही से इंशाल्लाह सैनिटाइज का काम चालू हो जाएगा, और राशन वितरण को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर भी हम कल तहसीलदार साहब को बुला रहे, पारसी जी को और संबंधित अधिकारी को, उनके साथ बैठकर हम जितनी भी समस्या है उनको हल कराएंगे। ये उन लिखने वाले की सोच हो सकती है लेकिन हमारी सोच जनता की सेवा करना है। सीधा सीधा एक आरोप क्राइसिस कमेटी पर लगाया गया है कि वो मुखबिरी का काम कर रही है, और एक आरोप ये भी है कि आप जो भाजपा कार्यकर्ता हैं जो भी हैं वो सूंघ कर जो है बता देते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, तो क्या कहें? ये छोटी सोच के पत्रकार बंधु हो सकते हैं जो ऐसा लिख रहे हैं, बाकी इस तरह की कोई भी मुखबिरी समिति कुछ भी नहीं है। ये अगर मुखबिरी समिति बोल रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये शासन और प्रशासन पे लाछन लगा रहे हैं।